मुंबई जिले की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर कई दिनों से दुराचार कर रहे प्रेमी के खिलाफ पीड़िता ने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंचकर आपबीती बताई और शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता ने बताया कि लड़का करीब 9 माह से लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। वहीं जब शादी करने की बात हुई तो लड़के ने इनकार किया और लड़की को जान से मारने की धमकी देने लगा। दरअसल यह चुरकी गांव के रहने वाले आरोपी ने कार्य किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ट्रॉला चालक है। गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने दुराचार किया है। एक ही जाति के दोनों हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को लड़की की शिकायत पर हिरासत में लिया है और कार्यवाही जारी है। ये मामला ये है, ग्राम चुरकी का एक मनोज साकेत है, उसने नाबालिग बच्ची के साथ में गलत काम किया था। तो रिपोर्ट हुई थी दिनांक 17/1/2020 को, और रिपोर्ट के बाद अपराध पंजीबद्ध कर वो जैसे उसको जानकारी मिली वो फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी महोदय और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई थी। उस टीम के द्वारा उस आरोपी को दिनांक 20/1/2020 को गिरफ्तार किया जाकर और मेडिकल कराया जाकर और न्यायालय में पेश किया गया। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।